एचएसएससी परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है साथियों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी, हरियाणा पुलिस व अन्य जो बचे हुए एग्जाम अगस्त व सितंबर माह में होने की चर्चा चल रही थी, तो उन एग्जाम्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए अगर आपको भी सही और स्टीक इन्फॉर्मेशन रेगुलर चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए साथियों, अब एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। साथियों, जल्द होगी पंचायत चुनाव की तैयारी, ये न्यूज़ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि पिछले 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अगस्त और सितंबर माह में एग्ज़ाम नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। वार्डबंदी का काम पूरा, सरपंचों और जिप चेयरमैन की आरक्षण प्रक्रिया चल रही है, कोविड संक्रमण और हाई कोर्ट में सुनवाई के चलते चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी। और ये तो साथियों आपको भी पता है कि सरकार चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाती है, या तो वो किसी भर्तियों के एग्ज़ाम करवाती है या नई भर्ती निकालती है। तो साथियों, ये प्रोसेस भर्तियों का है, वो चुनाव से पहले ज़रूर तेज़ी में आता है। लेकिन मेन टॉपिक ये है साथियों कि एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होंगे या नहीं, तो ये खबर पूरी देख लेते हैं, इसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाले हैं या नहीं होने वाले। याचिकाएं अदालत में लंबित, राज्य में अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर 3 से 4 याचिकाएं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित चल रही हैं, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण और दूसरी में चुनावों में देरी और तीसरी में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला लंबित है। राज्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि उन्हें अगली तारीख का इंतजार है ताकि इन पर कोई फैसला हो सके। हरियाणा का पंचायत विकास विभाग अदालती फैसले और निर्देश का इंतजार कर रहा है। इस विषय के ऊपर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने करनाल में जिला कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, इसके बाद सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पंचायत चुनाव पर सीएम ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में है, 22 अगस्त को सुनवाई होनी है, उसी के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि साथियों, हरियाणा सरकार अभी भी कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रही है, जो 22 अगस्त को सुनवाई होनी है उसमें क्या फैसला आता है ये तो उसी के बाद ही तय होगा कि पंचायत चुनाव कब होंगे। इसलिए साथियों, अगस्त माह में तो ये निर्णय होगा कि पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, तो अगस्त माह में हरियाणा सरकार या एचएसएससी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, डिमोटिवेट ना हो कि पंचायत चुनावों के कारण एग्जाम नहीं होंगे, बाद में तैयारी कर लेंगे। पंचायत चुनाव में अभी समय है, इसलिए अगर एचएसएससी चाहेगा तो अगस्त माह में आपकी जो हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी ये एग्जाम जरूर कंडक्ट करवा सकती है। ऐसी ही पॉजिटिव खबर रेगुलर पाने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।